तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सभी आईपीओ के जेएमपी प्राइस के बारे में जानेंगे। मार्केट के अंदर आज की डेट में आपको कुछ अपडेट भी आते हुए देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आज की डेट में 5 आईपीओ की लिस्टिंग आपको एक साथ होते देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके साथ ही आज की डेट में हमको 3 नए आईपीओ ओपन होते देखने को मिल जाएंगे। किस आईपीओ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। आज की डेट में 4 आईपीओ आपको क्लोज होते देखने को मिल जाएंगे, किस आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही 2 आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आने वाली है, वो अलॉटमेंट कहाँ चेक करनी है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ और मैं आपको सभी आईपीओ के अपडेट और जीएमपी के बारे में बताऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी भी आईपीओ के अपडेट और जीएमपी चेक करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस वेबसाइट की हेल्प लेते हैं, जिसका नाम है moneymintidea.com। आपको गूगल में सर्च करना है, पहले नंबर पे ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, कोई सा भी पेज ओपन हो आपको यहाँ पे देखिए होम वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जीएमपी दिख जाएगा, आपको जीएमपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको पेज को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे सभी आईपीओ का जीएमपी प्राइस आपको यहाँ पे शो कर देगा। पहली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर सिविलिक्स पावर्स हमको देखने को मिल जाता है। 14 जून से लेकर 26 जून के बीच आईपीओ ओपन हुआ था। आज के डेट में 174 रुपए इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है, 100 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया था। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। 1 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। जीएमपी के हिसाब से अगर कैलकुलेशंस करें तो पर लॉट के अंदर 2,08,800 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 274 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो मासन इंफ्राटेक हमको देखने को मिल जाता है। 24 जून से लेकर 26 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 14 रुपए चल रहा है, 64 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 2,000 शेयर मिलेंगे। 1 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 28,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 78 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर सिल्वन प्लाईबोर्ड हमको देखने को मिल जाता है। 14 जून से लेकर 26 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 30 रुपए चल रहा है, 55 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 2,000 शेयर मिलेंगे। 1 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 68,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 85 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो विसामन ग्लोबल सेल्स हमको देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 24 जून से लेकर 26 जून के बीच ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 15 रुपए चल रहा है, 43 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 3,000 शेयर मिलेंगे। 1 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। जीएमपी के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो पर लॉट के अंदर 45,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 58 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर अलाइट ब्लेंडर एंड डिस्टिलेटर्स हमको देखने को मिल जाता है। ये एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है। 25 जून से लेकर 27 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 85 रुपए चल रहा है, 281 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 53 शेयर मिलेंगे। 1 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। पर लॉट के अंदर आज की डेट में 4,500 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 366 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर इको ग्लोबल सर्विस हमको देखने को मिल जाता है। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 25 जून से लेकर 27 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में 17 रुपए इसका जीपी प्राइस चल रहा है, 77 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 1600 शेयर मिलेंगे। 2 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 27,200 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 94 रुपीज के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर डिवाइन पावर्स हमको देखने को मिल जाता है। 25 जून से लेकर 27 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। 60 रुपए इसका जीएमपी रखा गया है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 40 रुपए रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 3,000 शेयर मिलेंगे। 2 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। जीएमपी के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो पर लॉट के अंदर 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 100 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स हमको देखने को मिल जाता है। इस आईपीओ के ओपनिंग डेट की बात करें तो 25 जून से लेकर 27 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 112 रुपए चल रहा है, 171 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 800 शेयर मिलेंगे। 2 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 89,600 रुपीज का प्रॉफिट दिखा
आ रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 283 रुपीज के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर वज्र, आयरन एंड स्टील हमको देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 26 जून से लेकर 28 जून के बीच ओपन रहने वाला है। आज के डेट में इसका जीएमपी प्राइस 65 रुपए चल रहा है, 207 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 72 शेयर मिलेंगे। 3 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। पर लॉट के अंदर प्रॉफिट की बात करें तो 4680 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 272 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज के डेट में हमें डिस्टेंट टेक का आईपीओ ओपन होते देखने को मिलेगा। ये आईपीओ 28 जून तक ओपन रहने वाला है। जीएमपी प्राइस 0 है, इस आईपीओ का भी जीएमपी प्राइस 0 है, तो दोनों आईपीओ का भी जीएमपी प्राइस 0 है। अभी हम लोग उन आईपीओ की बात कर लेते हैं जिनकी कल की डेट के अंदर लिस्टिंग होने वाली है, उनके अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कल के डेट में जेएम इनवीडियो आपको ओपन होते देखने को मिलेगा। आज के डेट में पर लॉट के अंदर 115,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसके साथ ही डी डेवलपमेंट का आईपीओ भी कल के डेट में आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही ड्यूरलेक्स टॉप सरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही फॉलकॉन टेक्नो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको AKMA फिनटेक यहाँ पे लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। तो अभी इन आईपीओ के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये सभी SME आईपीओ है। यहाँ पे आपको डी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका व्यू यहाँ पे 5 साल का है तो आप इस आईपीओ के साथ कंटिन्यू बने रहेगा। बाकी अगर आपको किसी SME आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली है, आप यहाँ पे यही कोशिश करें कि आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको बुक करें और मार्केट से एग्जिट हो जाए। यहाँ पे अगर मैं AKMA फिनटेक की बात करूँ तो इसके अंदर हमने पहले ही बता दिया था कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। कल की डेट में हमारा ऐसा अनुमान है कि हो सकता है ये आईपीओ आपको बेसिक प्राइस के ऊपर अलॉटमेंट होते देखने को मिले, और हो सकता है अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आती है तो ये आपको नेगेटिव लिस्टिंग भी देते हुए देखने को मिल जाए। अभी दोस्तों दो आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिल जाएगी, तो आपको अपनी अलॉटमेंट कहाँ पे चेक करनी है, तो आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस का पेज मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए जिस भी आईपीओ की आप अलॉटमेंट चेक करना चाह रहे हैं तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आप लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी कंपनी चुनना है जिसके अंदर भी आपने अप्लाई किया हुआ है, आप उसको चुनेंगे। यहाँ पे अपना पिन नंबर चुनेंगे, पिन नंबर भरेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिली होगी तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। तो ऐसे दोस्तों आपको अपनी अलॉटमेंट यहाँ पे चेक कर लेनी है। तो दोस्तों मुझे लगता है सभी आईपीओ के जीएमपी प्राइस के बारे में आपने जान लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी आईपीओ के जीएमपी प्राइस के बारे में बताया, अगर आप किसी और आईपीओ के जीएमपी प्राइस के बारे में जानना चाह रहे तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर जीएमपी के ऊपर क्लिक करके किसी भी आईपीओ का जीएमपी स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सभी आईपीओ का जीएमपी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी ने वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।